तब तक समाधान नहीं आया। 3 साल हो गया सर, अब तक भी हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जबकि हम लोगों का नियुक्ति पत्र बनकर बीएसए ऑफिस में सुरक्षित है। सरकार भी अपील फाइल कर रखी है, उसमें अभी तक कोई भी इस तरह की पैरवी नहीं कर रहे हैं। सरकार भी थोड़ा कोशिश करे, हम लोग का सपोर्ट करे, तो जल्दी से सुनवाई हो जाएगा। सुनवाई हो जाने के बाद फाइनल हो जाएगा, हम लोग को ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। गीली और मुलायम मिट्टी को जिस तरह कोई कुम्हार किसी भी तरह का सुंदर आकार देकर उपयोग में लाई जाने वाली चीज बना देता है, ठीक उसी तरह देश के भविष्य बनने वाले बच्चे भी गीली मिट्टी जैसे होते हैं, जिन्हें प्राइमरी स्तर पर ही शिक्षक अगर सही आकार देती शिक्षा दें, तो ये बच्चे भी देश के लिए सदुपयोगी आकृति ले सकते हैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में शिक्षा निदेशालय के सामने वर्षों से अदालत और विभाग की सुस्त नीतियों में अटकी भर्ती को लेकर वही शिक्षक धरना देते दिखे, तो पूछना जरूरी होता है, क्या रोजगार देने का वादा और बच्चों की शिक्षा दोनों काम चलाऊ सिस्टम के भरोसे है? उत्तर प्रदेश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत शिक्षकों की कमी के चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है, ये हम नहीं शिक्षा विभाग के आंकड़े कहते हैं। आज भी करीब 1,70,000 पद प्राथमिक शिक्षकों के खाली हैं। शिक्षा निदेशालय पर हम मौजूद हैं, यहाँ पे वो बच्चे हैं जो बीते कई सालों पहले TET पास किया, लेकिन आज भी उनको नौकरी नहीं मिली। लखनऊ में आकर प्रदर्शन करते ये वो युवा हैं, जिनमें से कोई 150 किलोमीटर दूर अपने घर से आया, कोई 500 किलोमीटर दूर से, क्योंकि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास करने के 5 साल 6 साल बाद 12,460 शिक्षक पदों की भर्ती पास करने के बावजूद अदालत में नियुक्ति अटकी तो अब तक समाधान नहीं आया। 3 साल हो गया सर, अब तक भी हम लोगों को ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला, जबकि हम लोगों का नियुक्ति पत्र बनकर बीएसए ऑफिस में सुरक्षित है। सरकार भी अपील फाइल कर रखी है, उसमें अभी तक कोई भी इस तरह की पैरवी नहीं कर रहे हैं। सरकार भी थोड़ा कोशिश करे, हम लोग का सपोर्ट करे, तो जल्दी से सुनवाई हो जाएगा। सुनवाई हो जाने के बाद फाइनल हो जाएगा, हम लोग को ज्वाइन लेटर मिल जाएगा। आप अपने बच्चे का जब प्राइवेट स्कूल में दाखिला कराने जाते हैं, तो भविष्य सोचते हुए ये पता करते हैं कि एक क्लास में कितने बच्चे पढ़ेंगे, एक टीचर के कंधों पर कहीं बहुत ज्यादा बच्चों का भार तो नहीं होगा। यूपी में शिक्षकों की कमी पर बेसिक शिक्षा मंत्री कहते हैं, हर प्राइमरी में 30 विद्यार्थी पर एक शिक्षक चाहिए। आज की तिथि में हमारे प्रयासों के परिणाम स्वरूप हम 1:35 का रेशियो हमारा हो गया है। आने वाले दिनों में ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बेसिक शिक्षा परिषद के उन स्कूलों में जिनमें गांव, गरीब, मजदूर, किसान का बच्चा पढ़ता है, शिक्षकों की कमी नहीं होने देगी। कमी के बावजूद कहना कि कमी नहीं होने देंगे, हकीकत यह है कि सरकार ने 2019 में 69,000 पदों पर भर्ती निकाली तो 4,613 पद अभी भी खाली रह गए। यूपी में अगर साल 2019 तक 4,25,000 टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पास नौजवान थे, तो 2019 में निकाली गई 69,000 शिक्षकों की भर्ती को अलग करें तो 3,56,000 युवा अब भी TET परीक्षा पास कर बेरोजगार, और प्रदेश में शिक्षकों के खाली पद 1,70,000, जिन्हें अगर तय समय में भरने की कोशिश सरकार करे तो न बच्चों का भविष्य काम चलाओ शिक्षा के भरोसे रहे, न नौजवानों की नौकरी पाने की उम्मीद। संतोष कुमार, लखनऊ आज तक। तो सबसे पहले मैं आपको और आपकी टीम को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने हमें ये मौका दिया मुद्दा उठाने के लिए, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम मुझे 5-7 मिनट का समय आप बोले। तो सबसे पहले ये मैं दिखाना चाहूंगा आपको, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का ये नोटिस आता है 24 मार्च 2021 को, और ये नोटिस में जो आवश्यक सूचना लिखा है, अगर आप इसे इन 2 लाइनों को पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये कोई सरकारी नोटिस है या तुगलकी फरमान है। इसका कोई कारण नहीं बताया गया, कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसा लग रहा है कि बस मन हुआ कि चलो आज भर्ती निरस्त करते हैं और निरस्त कर दिया। ये ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की हम लोग बात करें, वैसे मैं यहाँ पे आया हूँ तो सिर्फ ग्राम विकास अधिकारी भर्ती की बात नहीं है, सिर्फ मेरी अपनी बात नहीं है, 1952 चयनितों की बात नहीं है, ये उन 50 लाख युवाओं की बात है जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की नौकरी के लिए आवेदन करते हैं अलग अलग भर्तियों में। तो उन सबको छलने का काम किया है पिछले 4 सालों में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने, इसका प्रमाण मेरे पास है। मैं अगर वीडियो की भर्ती की बात करूं तो वीडियो की भर्ती में मई 2018 में विज्ञापन आता है 1953 पदों के लिए, सबने अप्लाई किया, 14,53,000 आवेदन आए थे, 9 लाख आवेदन नहीं थे, 14,53,000 आवेदन आए,
22 और 23 दिसंबर 2018 को चार पालियों में यह परीक्षा संपन्न होती है। इस परीक्षा के बाद किसी भी कैंडिडेट की कहीं कोई शिकायत नहीं थी, न न्यायालय में, न सरकार में, न आयोग में। फिर हम लोग बीच में प्रोटेस्ट करते हैं कि सर हमारा परिणाम जारी किया जाए। तत्कालीन अध्यक्ष उस समय अरुण सिन्हा जी कहते हैं हम 2 महीने में परिणाम जारी कर देंगे। फिर ऐसा करते करते 8 महीने बीतते हैं, 28 अगस्त 2019 को परिणाम जारी होता है। लेकिन आश्चर्य की बात देखिए कि 28 अगस्त की शाम को 7 बजे परिणाम जारी होता है और 12 घंटे के अंदर सरकार के एक मंत्री हैं माननीय ग्राम विकास मंत्री जी मोती सिंह जी को खबर हो जाती है कि इस परीक्षा में क्या क्या धांधली हुई है। यह लेटर लिखा जाता है माननीय मुख्यमंत्री जी को माननीय ग्राम विकास मंत्री जी के द्वारा। माननीय मंत्री जी कहते हैं 2 रोल नंबर लिख के देते हैं, अनुक्रमांक के साथ देते हैं कि इन बच्चों ने 5 गोले भरे हैं ओएमआर कॉपी में। समझ में नहीं आता है कि जो जिम्मा आयोग के पास है और बार बार सरकार कहती है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं कहते हैं कि आयोग के कार्य में शासन का हस्तक्षेप नहीं है, तो माननीय मंत्री जी को 12 घंटे के अंदर ये खबर कैसे हो जाती है कि किनकी ओएमआर गड़बड़ है, किनका सेंटर कहां है, किनका रोल नंबर क्या है? क्या माननीय मंत्री जी की कॉपियां चेक कर रहे थे? उसके बाद ये लेटर होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आदेश देते हैं कि अगर गड़बड़ी हुई है तो इस पर कार्यवाही की जाए, इसकी जांच की जाए। लेकिन जो इन बच्चों का 3 साल का वक्त बीत गया इंतजार करते करते और जो सिलेक्ट हो गए थे और अब बेरोजगार हो गए हैं दोबारा से, ये क्या सार्वजनिक तौर पर इसमें आप लोग क्या परेशानियां झेलते हैं? सर इसमें एक तो संविधान के अनुच्छेद 14 का भी जो है उल्लंघन किया है इस निर्णय ने। मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन दिखाऊंगा इसमें। और दूसरा, सड़क पे ला देने का काम किया है 1952 चयनित अभ्यर्थियों को, जिनसे बार बार ये वादा किया गया आयोग के द्वारा, सरकार के मंत्रियों के द्वारा कि आप मिठाई खिलाने की तैयारी करिए, 15 दिन बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी, 1 महीने बाद आपकी नियुक्ति आ जाएगी। जब हम लोग आयोग में जाते हैं तो आयोग के लोग कहते हैं कि हम लोक सेवा आयोग की तरह स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर सकते हैं, यहाँ सरकार का दबाव होता है, हमें हर चीज के लिए परमिशन लेनी होती है, आप लोग मंत्री जी के पास जाइए, मंत्री जी से पूछिए आपकी भर्ती क्यों लटकी है। हम लोग सुबह सुबह 8 बजे लाइन लगा के मंत्री जी के पास जाके मिलते हैं, मंत्री जी कहते हैं 15 दिन इंतजार कर लीजिए, SIT की टीम से हमारी बात हो गई है, आप लोग की भर्ती हो जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं शासन का हस्तक्षेप नहीं है। तो ये तो कह रहे हैं कि लाखों लोगों को रोजगार दे चुके हैं, इनके मंत्री के हस्तक्षेप की वजह से ही भर्ती हम लोग की फंसी हुई है। सर मैं लाखों भर्तियों की बात तो बाद में करूंगा, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की बात कर लूं। सरकार दावा करती है कि 16,708 पदों पर नियुक्तियां दी है सरकार ने। अभी आपने दिखाया, आप लोगों ने बोला कि 23 भर्तियां लंबित हैं। भाजपा सरकार में आई पहली भर्ती 2017 के बाद से युवा विकास अधिकारी अभी तक लंबित। RTI की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि इस सरकार में जितने भी विज्ञापन अधीन सेवा चयन आयोग से आए हैं, इसमें एक भी भर्ती पर, एक भी पद पर नियुक्ति नहीं हो पाई है। लगभग 12,000 पदों के लिए सरकार ने विज्ञापन जारी किया है। समझ सकते हैं हम लोग। तो ये किन पदों की बात करते हैं, वो कौन से अभ्यर्थी जो 16,708 अभ्यर्थी हैं? हमारी दूसरी भर्ती थी वीडियो की, आज तक पूरी नहीं हुई है ये। नेक्स्ट राउंड में आपको टाइम देता हूँ भाई अभी पूरी जी, अगर मैं इन बच्चों को समझाऊं ना, काउंसलिंग ना करूं तो लाइव टेलीविजन पर पता है ये रो देंगे, इतनी तकलीफ है। क्या इसके बाद भी आपका जमीर नहीं जागता, आपको लगता नहीं कि आपको राजनीति से परे हटकर इन युवाओं के बारे में सोचना चाहिए?